छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी समर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष पर प्रहार और प्रचार धुआंधार की रणनीति पर काम करते हुए सीएम योगी बीजेपी के लिए जमकर माहौल बना रहे हैं। सीएम योगी बीजेपी स्टार प्रचारक हैं और साथ ही जीत की गारंटी भी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी उनकी चुनावी सभा कराकर जीत पक्की कर लेना चाहती है। जी हाँ, राजस्थान के रण में महाराज कुछ इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। जैसे जैसे वोटिंग का समय पास आता जा रहा है, वैसे वैसे पक्ष विपक्ष पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी स्टार प्रचारकों को मरुधरा की धरती पर तूफानी दौरों के लिए भेज रही है। और बीजेपी की तरफ से पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम योगी राजस्थान के रण में बीजेपी के लिए जमकर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने बीजेपी के लिए आज सांचौर में एक साथ कई जगहों पर सभाएं कर बीजेपी के लिए माहौल बनाया। राम मंदिर के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस होती तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा, जब तक कांग्रेस थी तो ये समस्या का समाधान तो नहीं करते थे, लेकिन हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। बोलते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। अब बताओ, हम यहाँ पे संबोधन में राम राम सा कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है। सीएम योगी ने राजस्थान की यूपी से तुलना करते हुए कहा कि यूपी में आज बेटियां सुरक्षित हैं। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास हो रहा है। यहाँ पे नए नए माफिया पैदा हो गए, कोई भू माफिया, कोई खनन माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई गौ तस्कर माफिया। और भाइयों बहनों, इन्हीं तस्करों के लिए, इन्हीं माफियाओं के लिए हम यूपी में बुलडोजर लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, जिस पर खूब तालियां बजती हैं। संबोधन खत्म करने से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी की शैली में समर्थकों से हाथ उठवाकर हामी भरवाते हैं। वो बार बार कहना नहीं भूलते कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मौजूदा खुशहाली डबल इंजन सरकार की देन है, इसीलिए इस सुयोग को टूटने मत देना। पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के आंकड़े ये गवाही देते हैं कि योगी ने जहाँ जहाँ प्रचार किया वहाँ बीजेपी की जीत पक्की हुई, यानी योगी जीत के गारंटी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।